संघर्ष नियम। जैसा कि आप सबने कुछ दिन पहले देखा कि षड्यंत्रकारी तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता खारिज की गई, उसको लेकर के दिल्ली से लेकर के देश के गांव-गांव तक कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि विरोधी दल के भी साथी लगातार इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में यहां पर आज कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेतागण कार्यकर्ता एक काला दिवस के रूप में हम यहाँ पर मना रहे हैं। और क्योंकि ये काला दिवस एक प्रतीकात्मक रूप से संविधान और देश के लोकतंत्र की हत्या की जा चुकी है, इसको लेकर हम बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर वहाँ पर अपना ही प्रदर्शन करते हैं। हमारा संसद कायर है, हमारा संसद कायर है, मोदी अदानी भाई भाई, प्रधानमंत्री कायर है, हमारा संसद कायर। चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है, गली में चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, मोदीदार चोर है, गली में चोर है, चोर है, मोदी देरी दाना साही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी। लोकतंत्र की हत्या हो रही, लोकतंत्र किस स्तर तक आप बचाने को सोच रहे हैं और कहां तक बचाएंगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसमें तो अगर देखा जाए लोकतंत्र की हत्या का विषय इतना बड़ा है कि आज पत्रकार आपके ही साथी संजय राणा थे संभल के, जो मंत्री से सवाल पूछा उन्हें जेल जाना पड़ा, यूनिवर्सिटीज के कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चरर तक को जेल जाना पड़ा, अधिवक्ता तक को जेल जाना पड़ा। यानी सरकार से अगर आप कोई भी सवाल लोकतांत्रिक और देश हित में पूछते हैं तो सबको जेल भेजती है। इसलिए लोकतंत्र की हत्या मुझे लगता है शब्द छोटा पड़ रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक ही आवाज उठाई कि गौतम अडानी के साथ क्या रिश्ता है देश के प्रधानमंत्री जी का, कि जो 6 साल पहले जो व्यक्ति 609वें नंबर का उद्योगपति था, जो 3000 करोड़ की संपत्ति थी, वो मात्र 6 सालों में दूसरे नंबर का उद्योगपति हो गया, 12 लाख करोड़ की संपत्ति हो गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसमें उसके भ्रष्टाचार का खुलासा होता है और वो उद्योगपति लगातार, आज देखिए कि चाहे न्यूयॉर्क हो, फ्रांस हो, जापान हो, हर जगह से उसके शेयर को ऑर्बिटेट कर दिया गया, हटा दिया गया। आज वो 32वें या 35वें नंबर का उद्योगपति है। सवाल ये है कि रक्षा सौदे में 20,000 करोड़ रुपए अदानी की कंपनी में किसका है, इसका मालिक कौन है, यही सवाल किया जा रहा है। और जिसको लेकर के राहुल जी लगातार पिछले 7 सालों से सवाल उठा रहे थे, लेकिन एक मुकदमा जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटका में वहाँ कोलार में उन्होंने बोला था, क्या बोला था, यही बोला था कि देश की संपत्ति को लूट करके भागने वाले ललित मोदी, नीरव मोदी, और अगर आगे जाँच कराई जाएगी तो मोदी क्यों मिलता है, सभी मोदी नहीं चोर है, इनको कहा। तो क्या चोर को चोर कहना गलत है, और क्या रिश्ता प्रधानमंत्री जी का, ये सवाल किया तो पता चला कि जो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया कहती है, जो मानहानि, मानहानि तो नीरव मोदी की गई, मानहानि तो हमने मेहुल माफ करिएगा ललित मोदी की, तो उनको आना चाहिए था। आता कौन है, नरेंद्र मोदी का एक विधायक आ करके और कहां करता है, मुकदमा दर्ज करता है। एक सवाल और करूंगा, ये राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो शुभारंभ की थी, जिसे आरंभ किया, क्या ये उसका असर तो नहीं, उनकी लोकप्रियता का असर तो नहीं, विपक्ष में कहीं कोई खलबली तो नहीं? बिल्कुल, देखिए जो राहुल गांधी जी की 3570 किलोमीटर की यात्रा 4.5 महीने की हुई, आपने देखा कि देश का कोई वर्ग अधूरा नहीं था। वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक गए, उसमें इस देश का किसान मिला, नौजवान मिला, युवा मिला, व्यापारी मिले, सभी मिले। और ये लोकप्रियता आप कह सकते हैं कि हर व्यक्ति इस लोकतंत्र में आहत हुए मिलने आ रहा था। अभी आपने कहा संजीव जी कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मुहिम है, लेकिन मसला तो ये कि निजाम भी आप और निजामत भी आपकी, ऐसे में उम्मीद आप किससे करेंगे? देखिए मुझे लगता है कि इस देश में सबसे बड़ी अदालत जनता की है, और राहुल जी ने इसी बात को कहा कि मुझे 2 साल 7 साल नहीं 10 साल कर दो, मैं सड़क पे रहूंगा। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, और देश की संसद आज आवारा हो चुकी है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। कायर इसलिए है कि सत्ता की आड़ में हमारे नेता जननायक राहुल गांधी की सदस्यता को लेने का काम किया गया। अगर उसको न्यायिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं भी ये मामला नहीं बनता है। अगर इस बात को कहूं तो आपके कैमरे पे मैं कहना चाहता हूं कि निशिकांत दुबे की सदस्यता कब ली जाएगी, जिसका फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा गया,
प्रधानमंत्री के तमाम ऐसे वक्तव्य हैं लोकसभा चुनाव के दौरान और सदन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को उन्होंने सुपनखा तक कहा गया, प्रधानमंत्री की सदस्यता कब भी जाएगी। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों को, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने किसी जात विशेष को नहीं कहा था, चोर को चोर कहा था, नीरव मोदी कौन है, मेहुल चौकसी कौन है, और जिस सेठ के द्वारा कर रहे हैं कंप्यूटर कौन लाया था, यही सवाल उठता है। क्योंकि जब हमारे नेता राजीव गांधी जी कंप्यूटर ला रहे थे तो इनके नेता बैलगाड़ी से संसद जा रहे थे। आज सोचिए देश अगर बैलगाड़ी से चलता तो मेरे साथी बुरा मत मानिएगा आज आप रिकॉर्डिंग इस कंप्यूटर युक्त मोबाइल से न करते। संजय जी, किस तरह का धरना प्रदर्शन है आज? देखिए ये जो प्रदर्शन है बांह पे काली पट्टी बांध के देश में जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उसका वाराणसी कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अच्छा, कांग्रेस के बारे में मौजूदा सत्ता पक्षी लोग कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या दिया इस देश को? अब देखिए मौजूदा सत्ता पक्ष के लोग जो है कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, तो जो कुछ भी देश में है उसको कांग्रेस ने ही दिया है। LIC बेच दिए, कांग्रेस ने ही दिया था। बैंक बेच रहे हैं, कांग्रेस ने ही दिया था। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कांग्रेस ने ही दिया था। कानून की बात कर लिया जाए तो RTI कांग्रेस ने दिया देश को, शिक्षा का अधिकार RTE दिया, और भोजन का अधिकार भी कांग्रेस ने ही दिया, जिसका 5 किलो अनाज बांटते फिर रहे हैं, गा रहे हैं कि हम 5 किलो दे रहे हैं, 5 किलो दे रहे हैं, सब तो कांग्रेस ने ही दिया है। हाईवे कांग्रेस ने ही दिया था, एम्स कांग्रेस ने ही दिया था। जिधर देखते हैं उधर कांग्रेस की ही देन तो दिखाई पड़ती है। इनका तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। इनका क्या दिखाई पड़ता है? भुखमरी, बेरोजगारी, और जो है कि मीडिया को दबाना, जिधर देखे डंडे की सरकार चलाना, तो यही तो दिखता है। छोटी छोटी बात पे मुकदमा कर देना। तो किस तरह से खतरे में नजर आ रहा है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता अचानक से असंवैधानिक तरीके से जिस तरह से निरस्त की गई है, लोकतंत्र तो खतरे में है ही। लोकतंत्र की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से कुछ साल पहले आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की भी संसद सदस्यता खत्म की गई थी जनता दल पार्टी की तरफ से, आज जनता दल पार्टी का नामो निशान नहीं बचा है। और उसी तरह कुछ साल बाद उन्हीं के पोते आदरणीय राहुल गांधी जी की भी संसद सदस्यता खत्म करके भारतीय जनता पार्टी अपने तानाशाही रवैये को दर्शा रही है। और कुछ साल बाद मैं यकीनन कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का भी नामो निशान इस देश से मिट जाएगा और किसी को याद भी नहीं रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई पार्टी थी, जैसे आज याद नहीं है कि जनता दल भी कोई पार्टी थी क्या? धन मंत्री कायर है, देश का जनरल डायर है, धन मंत्री का, देश का जनरल डायर है, चौकीदार चोर है, चोर है, चोर है।